अच्छा आपने इसके अंदर डिस्क ब्रेक लगा दिया जी, डिस्क ब्रेक तो ब्रेक वाला 80 से 85 टाइप के इम्प्लीमेंट्स हैं जो अटैच कर सकते हैं। अच्छा 80 टाइप के इम्प्लीमेंट, तो आपने बहुत बढ़िया बनाई है। अब इसका रेट बता दो फटाफट, क्या रेट है? राम राम भाई सभी को, मैं हूँ दिनेश सहग और आप देख रहे हैं क्रेजी ट्रैकर्स। तो भाई आज आपको हिसार लेके आए हैं हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर। तो भाई आज आपके लिए एक पावर वीडर लेके आए हैं भाई, 7 HP का इसके अंदर 7 HP का इंजन है जी, पेट्रोल वर्जन है। अच्छा पेट्रोल वर्जन है, हाँ जी हाँ जी। तो अपने साथ भाई साहब पूरी जानकारी अपने इनसे लेंगे। तो नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। तो आप थोड़ा परिचय बता दीजिए अपने। बिल्कुल बताएंगे भाई साहब, मेरा नाम अनिल है, मेरी कंपनी शोन एग्री सॉल्यूशन, वी आर फ्रॉम जींद हरियाणा। हरियाणा, हाँ जी, इंडस्ट्रियल, जींद के इंडस्ट्रियल एरिया में हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जी जी जी। तो इसके बारे में बताइए, आपने ये जो बाइक बना रखी है, इंजन पीछे वीडर लगा रखा है इसके, भाई साहब ये है पावर वीडर, ये इसको बोलते हैं। ये एक चाइनीज टेक्नोलॉजी है। अच्छा, इस चाइनीज टेक्नोलॉजी को हमने इंडियन टेक्नोलॉजी में डेवलप कर दिया है। अच्छा डेवलप कर दिया है। हाँ इसका आपने मिक्स कर दिया है। बिल्कुल, इसको मिक्स कर दिया है। इसको हमने टू व्हील से लेके इसको थ्री व्हील में कन्वर्ट कर दिया है। अच्छा अब ये थ्री व्हील हो गया। हाँ जी, मतलब वो पहले जो पीछे पकड़ के चलने वाला सिस्टम था जी जी जी, वो मैटर अभी बिल्कुल नहीं रहा जी इसके अंदर। हम लोग आराम से बैठ के, कम्फर्टेबल सीट है जी, सीट पे बैठ के आराम से इजिली इसको इसके साथ वर्किंग कर सकते हैं जी। हाँ जी, और सीट भी देखो यार थोड़ी ना, यहाँ पर देखिए आपको पूरी कंफर्ट देने वाली बनाई गई है। इसको ना आप एडजस्ट भी कर सकते हैं यहाँ से ना। ये एडजस्टेबल है जी, सीट फुल एडजस्टेबल है। इसको हाइट ऊपर भी कर सकते हैं, इसको लोअर भी कर सकते हैं। अच्छा ऊपर नीचे भी एडजस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल एडजस्टेबल है जी, ये बिल्कुल हाई मैट्रिक सीट है जी। अच्छा हाँ जी, तो काफी शानदार चीज है भाई। और आपने कितने HP का इंजन बताया? ये 7 HP का इंजन है जी, पेट्रोल वर्जन। पेट्रोल वर्जन इंजन है 7 HP का। ये देखो भाई, और इसका ये गियर बॉक्स देखिए, गियर बॉक्स में कितना ऑयल आ जाता है? गियर बॉक्स में इसमें 2 लीटर ऑयल आता है जी। 2 लीटर ऑयल आ जाएगा। तो भाई ऑयल भी काफी आ जाता है 2 लीटर ऑयल से, मतलब ये है कि गियर बॉक्स गर्म नहीं होगा इसका। बिल्कुल जी, उसमें हीटिंग टेम्परेचर बिल्कुल 1% भी नहीं आएगा। टेम्परेचर बिल्कुल इतना ज्यादा इसके अंदर नहीं आएगा जी जी। उसके बाद में कौन कौन से इम्प्लीमेंट इसके पीछे चल सकते हैं? इसके अंदर हम लोग 80 से 85 टाइप के इम्प्लीमेंट है जो अटैच कर सकते हैं। अच्छा 80 टाइप के इम्प्लीमेंट जी, बिल्कुल बिल्कुल, काफी शानदार चीज है भाई। बिल्कुल, जैसे रोटावेटर है। अच्छा हाँ जी, हमारे पास में जैसे सीट है, हमने हुक टाइप न्यू ये सीट बनाई है, इसको रट टाइप सीट भी बोलते हैं। अच्छा अच्छा हाँ जी, इसमें कंफर्टेबल सीट है, साथ में धूप के लिए ये छप्पर बनाया है। अच्छा ऊपर छतरी भी लगा दी है। बिल्कुल, और अच्छा आपने इसके अंदर डिस्क ब्रेक लगा दिया जी, डिस्क ब्रेक। तो ब्रेक वाला सिस्टम देखो भाई, इसका यहाँ पर इस तरह लगाया हुआ है, बिल्कुल बीच के अंदर यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो काफी शानदार चीज भाइयों ने बनाई। बिल्कुल जी, हमने टायर का भी इसमें एक अलग साइज रखा जी। अच्छा ऑल ओवर इसमें 408 का टायर जो स्टैंडर्ड रहता था जी। अच्छा, हमने इस टायर को 375 का साइज दे दिया जी। अच्छा, साइज भी बड़ा कर दिया ताकि RPM थोड़ा सा बढ़ जाए। अच्छा हाँ जी, हाइट भी अच्छी लगे ताकि बैठते ही फार्मर्स को ऐसा लगे कि मैं एक अच्छी चीज पे बैठ गया। अच्छी चीज पे बैठ जी जी जी। उसके साथ इसकी ये पीछे ट्रॉली है, आप ये देखो, ये भी ये मिनी ट्रॉली है जी। इस तरफ ये अच्छा, मिनी ट्रॉली है जी, इसका 1 टन का कैपेसिटी है जी। अच्छा 1 टन तक का वजन। बिल्कुल, ये फोल्डेबल है, ये तीनों टाइप फोल्डेबल है जी। आप लोग इसको साइड और राइट साइड और लेफ्ट साइड से ओपन कर सकते हैं, बैक से ओपन कर सकते हैं और फ्रंट से भी ओपन कर सकते हैं, चारों तरफ से खुल जाएगी। बिल्कुल ओपन फोल्डेबल है जी। तो मतलब इसका साइज भी भाई एडजस्ट हो जाता है इसका। बिल्कुल बिल्कुल, शानदार चीज है। और ये रोलर ये क्या लगा रखा है? ये होजरील है जी, इसके साथ हम लोग स्प्रे वाली पाइप है जो आराम से इसकी रोलिंग कर सकते हैं पाइप। अच्छा स्प्रे पंप भी इस पे चल जाएगा? बिल्कुल, स्प्रे पंप इसमें टैंक आ जाएगा जी, 500 से 600 लीटर का इसमें टैंक रहेगा। उसके बाद में 200 मीटर जो है वो स्प्रे पाइप इसके साथ हम लोग फोल्ड कर सकते हैं। स्प्रे पाइप भी इसके अंदर फोल्ड हो जाएगी, काफी शानदार चीज है भाई। देखो एक जब अपने स्प्रे करते हैं तो कम से कम 3 आदमियों की जरूरत पड़ती है भाई जी। तो जी, इससे आप ना बड़ी आसानी से इसको आप जो एक सिंगल पर्सन इसको इजीली कर सकता है, इजीली इसको फोल्ड कर सकता है। कितनी लंबी पाइप हो बड़ी इजीली आप इसको फोल्ड कर सकते हैं जी सर। उसके बाद में वो वाली ट्रॉली सेम ही है ये? नहीं नहीं, वो ट्रॉली अलग है जी, उसका एक अलग मेथड है जी। अच्छा ये वाला आज अपना ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये ट्रॉली रहता है जी। अच्छा ट्रांसपोर्ट करना है कोई? ये 1.5 टन की कैपेसिटी है इसकी, 1.5 टन इसमें हम लोग कुछ भी फसल या चारा कुछ भी डाल के कहीं भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। कहीं भी इसको यूज, घर से खेत, खेत से घर, कुछ भी इसके साथ हम लोग। एक जैसे भाड़ा करने के लिए एक मजदूर आदमी है, वो भी इसके साथ एक आराम से अपना पूरे दिन की दाढ़ी निकाल सकता है। अच्छा हाँ जी, काफी शानदार चीज है भाई। चीज तो आपने बहुत बढ़िया बनाई है। अब इसका रेट बता दो फटाफट, क्या रेट है इसका? 29,240 रुपए। 29,240 रुपए कस्टमर प्राइस है जी इस ट्रॉली का। हाँ जी ट्रॉली। और अगर अपने पावर वीडर के साथ ट्रॉली लेना चाहें तो? पावर वीडर के साथ आप लोग अगर ट्रॉली लेना चाहें तो पावर वीडर का प्राइस हमारा 55,000 रुपए प्राइस है जी। ठीक है, उसके साथ में जो
भी इम्प्लीमेंट आपको चाहिएगा वो अलग से रहेगा सर, वो अलग से रहेगा। हाँ जी ठीक है। तो भाइयों काफ़ी शानदार चीज़ जो है इन्होंने बनाई है और बिल्ड क्वालिटी भी भाई काफ़ी अच्छी है। ठीक है, तो आपको कैसी लगी ये वीडियो और बाकी ये चीज़ जो भाइयों ने बनाई है काफ़ी शानदार है भाई। और आप कंफर्टेबल सीट के साथ जो है आप इसके अंदर आप ट्रॉली ले सकते हैं, उसके बाद में जो लीडर है उसकी सीट भी एडजस्टेबल है भाई। ठीक है, तो भाई आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना और शेयर कर देना भाई दब के। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।